बसपा सांसद अफजाल अंसारी पर प्रशासनिक कार्रवाई तेज हो चुकी है। गाजीपुर प्रशासन ने पुलिस बल के सहयोग से बसपा सांसद की लखनऊ की डालीबाग में 12 करोड़ 50 लाख से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की है। इससे पहले भी ईडी ने बसपा सांसद पर कार्रवाई की थी। गाजीपुर जिलाधिकारी के आदेश पर शुक्रवार को प्रशासनिक अमला पुलिस बल के साथ पहुंचा। इसके बाद मुनादी करते हुए बसपा सांसद की पत्नी और बेटियों के नाम से दर्ज जमीन पर बने फार्म हाउस को कुर्क कर लिया। इस संपत्ति की कीमत करीब 12 करोड़ 50 लाख बताई जा रही है। बसपा सांसद ने पत्नी फरहत अंसारी के नाम से संपत्ति खरीदी थी। वहीं साल 2017 में फरहत ने इस संपत्ति को अपनी बेटियों नुसरत अंसारी, मारिया अंसारी और नूरिया अंसारी के नाम से दान कर दिया था। फिलहाल इस जमीन पर एक फार्म हाउस बना हुआ है। इसमें चार दीवारी, दो मंजिला मकान और टीन शेड है। माफिया और माफिया राज के खिलाफ लगातार जो है वो कार्रवाई जारी है। विगत चार महीनों में लगभग 75 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति मुख्तार अंसारी और सहयोगियों की जो है वो जब्त कराई गई है। आज की संपत्ति लखनऊ स्थित है, जिसका आदेश जब्तीकरण का गाजीपुर से हुआ है। 12.5 करोड़ रुपए की ये बंगलो लैंड प्रॉपर्टी जो है, मार्केट वैल्यू उसकी 12.5 करोड़ रुपए है। ये प्रॉपर्टी अफजाल अंसारी इनकी पत्नी के नाम पे जो है वो दर्ज है और इनके ऊपर कई सारे आपराधिक मामले हैं। मुख्तार अंसारी और उसके सहयोगी जो भी हैं उनका चिन्हांकन किया जा रहा है, इनके प्रॉपर्टी का चिन्हांकन किया जा रहा है और भारी मात्रा में ज्यादा से ज्यादा संख्या में और प्रॉपर्टीज का जब्तीकरण आने वाले वक्त में किया जाएगा।